भगवान को ताले के पीछे रखने के लिए कौन है जिम्मेदार? कौन है आस्था का दोषी? महादेव किसे नहीं करेंगे क्षमा? आपसी विवादों और सियासत के दांव पेच के चलते भगवान भी ताले के पीछे रहने के लिए मजबूर है साहब। अयोध्या में तो मसला निपटा, लेकिन काशी, मथुरा, धार जैसे कई और ऐसे देवालय जहां विवाद के काले साए के चलते आस्था के बीच ताला आ गया। मसला सालों पुराना है, लेकिन एक स्थान पर उफान अब और आया है। रायसेन के किले पर विराजे सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच परमार कालीन राजा उदयादित्य द्वारा करवाया गया। सन 1543 तक यह स्थान मंदिर के रूप में विख्यात था। वक्त ने करवट बदली तो रायसेन के राजा पूरण मल को शेर शाह ने हरा दिया। नया राज्य आते ही शिवलिंग हटाकर मस्जिद बना दी गई। मस्जिद तो बनी, लेकिन मंदिर होने के सबूत को खत्म ना किया जा सका। गर्भगृह के ऊपर गणेश जी की मूर्ति सहित अन्य हिंदू परंपरा के चिन्ह स्थापित ही रहे। देश आजाद हुआ, लेकिन भोले के दरबार में ताले लटके रहे। मांग उठी, लेकिन 1974 तक कुछ ना हो सका था। आक्रोश आंदोलन में बदला तो तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद सेठी को मंदिर के ताले खुलवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने ताला खोलकर उस समय तो मामला शांत करवा दिया, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ये मंदिर ताले से मुक्त ना हो पाया। मंदिर के द्वार पर पड़ा ताला आज भी हटता है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार। महाशिवरात्रि पर भक्त सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने कथा कार्यक्रम के दौरान इस मसले को फिर गर्मा दिया। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए रायसेन की जनता को भी जमकर खरी खोटी सुना मारी। तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो। धिक्कार है रायसेन वालों को। शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। मामला बढ़ा तो सियासत ने भी अंगड़ाई ली। स्थानीय नेता एवं मंत्री प्रभु राम चौधरी, विधायक रामपाल सिंह भी सक्रिय हो चले। पंडित जी से मिले, कुछ करने का आश्वासन भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के सक्रिय होने की खबर भी आसमान पर है। मतलब कि आस्था पर सियासी दांव पेच फिर खेला जाने वाला है। कई बार मसला उठा, भक्त सक्रिय भी हुए, लेकिन मामला जल्द ही ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इस बार ठीक चुनाव से पहले उठा ये मामला अब ठंडा होने या किए जाने की स्थिति में कतई नहीं लगता। बोले तो तूफान आया है तो कुछ करके भी जाएगा, लेकिन क्या और कैसे, बस ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।